किशोर अवस्था आती है, यौवन आता है, बुढ़ापा आता है। तो जैसे अवस्थाएं बदलती है, ऐसे एक अवस्था, एक परिवर्तन जिंदगी का आखिरी परिवर्तन मौत है। तो ये बदलाव है। और फिर आगे फिर उन्होंने कहा कि ये भी मत सोच लेना कि उस बदलाव के बाद वो अंतिम बदलाव है, नहीं, उसके बाद में फिर एक और बदलाव है कि फिर जन्म लेकर आते हो तुम, तो ये तुम हो। और फिर कहा कि ये ध्रुव सत्य है। फिर आगे वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा केवल यहीं तक नहीं है कि इस परिवर्तन का हिस्सा बने रहो, तुम वहां तक पहुंच जाओ जहां जाकर के फिर पूर्ण शांति मिलती है, जिसको आप लोग गाते हैं ना कि आ ले के चलूं तुम्हें ऐसे नीले गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फले। तो ऐसी दुनिया कौन सी जहां केवल प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो, चैन हो, वो तो परमात्मा का दरबार है। श्री कृष्ण आपको वहां ले जाना चाहते हैं और उसी के लिए कहते हैं मत चित्तो युक्त आसीत मत पर, जो मेरे पारायण हो गया वो मुझे प्राप्त कर ले। तो डरों को जीतना ये सीखना है। और एक बात याद रख लीजिए कि दुर्बलता को दूर करने का नियम ये नहीं है कि हम, जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि दुर्बलता दुर्बलता बोलते बोलते तुम शक्तिवान नहीं हो सकते। शक्ति बोलो, शक्ति की उपासना करो। वेदों में इसको ऐसे कहा, बलम उपास्य, बल की उपासना करो, कमजोरी की नहीं। उसके गीत मत गाओ जो तुम बन गए हो, जो तुम बनना चाहते हो उसका गीत गाओ, उसकी तरफ जाओ। शक्ति 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 आप कहेंगे तो शक्ति के तरंगे आपके अंदर आएंगे। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपको परम आनंद की प्राप्ति की यात्रा में जाना है और साहस से ही डर दूर हो सकता है। जितना जितना आप साहस अपने अंदर पैदा करोगे, हिम्मत पैदा करोगे, डर भागेगा। जितना आप अपने आप को कमजोर करोगे, कायर बनोगे, रोओगे, चिल्लाओगे, दुखी होगे, तो आपका डर बढ़ता जाएगा। इसलिए गांव के लोग कहते हैं कि लस्सी को और दुख को जितना चाहो बढ़ा लो, लस्सी में पानी डालते जाओ, खुद जो है दस दस बातें बोल बोल करके रोते जाओ। बहुत सारे कारण हो सकते हैं रोने के। तो इसलिए कुल मिलाकर हम लोग फिर वहीं आते हैं कि हम अनेक तरह के भयों के बीच जीते हैं और इनसे पार पाने के लिए अपने अंदर साहस को जन्म दें। और अगली महत्वपूर्ण बात है जो अगले श्लोक में हम लोग देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसी श्लोक को थोड़ा सा और देख लें क्योंकि आज का समय संपन्न होता जा रहा है। यहाँ एक शब्द और है, मन का संयम साध कर, मन संयम्य, मन को नियंत्रित करके, यह चित्तो युक्त आसीत मत पर, तुम अपने आप को मुझसे जोड़ो, मन को कंट्रोल करके ही मुझसे जोड़ सकते हो। बात ध्यान रख लेना कि परमात्मा से जुड़ने के बाद ही जो परमात्मा में है वो आपके अंदर बहने लग जाता है। आप उतने प्रेमपूर्ण, उतने आनंद से युक्त, उतने उत्साह से युक्त, उतने निर्भयता से और शक्ति से युक्त हो जाते हो। आपके जीवन में जो आपकी दुर्बलताएं हैं वो आपको रुलाती हैं, आपके अंदर का अभाव आपको रुलाता है, आपके अंदर की जो कमियां हैं वो आपको रुलाती है। और जब वो कमियां दूर हो जाएं और आपको लगे कि मेरे पास तो सब कुछ है, बस वहीं से, उस प्रेम से, वहां से आप शक्ति युक्त हो जाते। इसलिए एक नियम ये है कि भगवान से जुड़ जाएं तो आपके अंदर शक्ति आती है, गुरु से जुड़ जाएं तो आपके अंदर गुरु की प्रेरणाएं और वो कृपाएं याद आने लग जाती हैं, जो देव शक्तियां आपके अंदर उत्पन्न करती, दिव्यताएं उत्पन्न करती हैं। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि उनका संग कीजिए जिनके संग से आपको शक्ति आती है। एक सज्जन जो बहुत बड़े भक्त थे और उनके घर परिवार में परंपरा चलती थी दान की, पुण्य की, सत्संग की, सत्कार की, तो दुकान पे आके बैठते थे और वहाँ उन्होंने लोगों के लिए राशन लेने आए, सामान लेने आए कोई भी व्यक्ति, तो उसके लिए एक
लिस्ट बना के रखी हुई थी कि लोग आए और उसको देखें और कीमत लिखी हुई है, आओ लेके जाओ। लेकिन एक उन्होंने अपने पास चार्ट और रखा हुआ था, एक चार्ट उनके पास और था, और उस चार्ट पे उन्होंने 1/4 रेट लिखे हुए थे, और वो रेट और किसी को नहीं बताते थे। एक बूढ़ी माता सामने से आती थी और वो जैसे आती थी तो उसे देखते सेठ खड़ा हो जाता था। वो पूछती थी, महंगाई तो नहीं बढ़ गई, क्या रेट है तुम्हारा? तो वो फिर वो रेट सामने रखता था, 100 रुपए की चीज उसके सामने 25 रुपए की। एक दिन उसके बेटे ने चिल्ला करके पूछ लिया कि इस माता को जब ये सामान लेकर गई और अपना नौकर जाता छोड़ने के लिए उसके घर पर। सेठ कहता है कि बहुत स्वाभिमानी माता है ये, पति नहीं रहा, बेटा भी एक्सीडेंट में मर गया, अब केवल मात्र पेंशन आती है और वो भी थोड़ी सी, और उतनी सी पेंशन से ही अपना गुजारा चलाती है। इसकी कॉलोनी वालों ने मदद करने की कोशिश की, इसने मना कर दिया कि मुझे मदद नहीं चाहिए, मेरे आदमी ने मुझे एक चीज सिखाई थी, सिर झुका के नहीं जीना, सिर उठा के जियो। और ये अपनी रोटी में से भी कुछ भाग पक्षियों को भी डालती है, गौ ग्रास निकालती है, कुत्ता इसके दरवाजे पर बैठा रहता है उसको भी देती है। लेकिन ये बेचारी भूल गई है कि दुनिया में इस समय महंगाई कहाँ चली गई है, क्योंकि अपने ख्यालों में अपनी भक्ति में डूबी रहती है। इसी दुकान पर आती है, मैं इसकी सहायता करना चाहता हूँ, ये सहायता लेती नहीं है। तो आखिर में मुझे एक तरीका सूझा है, उतना रेट मैं बताता हूँ जितना ये दे सकती है, और इसके घर में हर महीने राशन चला जाता, महीने में एक बार आती है। बेटा कहता, हमें फायदा क्या है ऐसा दान पुण्य करने का? सेठ कहता है कि दुकानें यहाँ और भी हैं, लेकिन जो तुम्हारे दुकान पर लाइन में लग करके लोग सामान खरीदते हैं, ये इन लोगों की दुआओं का फल है, इनके आशीर्वादों का फल है। क्योंकि जब भी मैं ऐसा कोई कार्य करता हूं उस भगवान को याद करके कि तूने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी का सहारा बन सकूं, ये बनाए रखना भगवान, तो वो मुझे खुश होकर के और देता है। और उसने अपने बेटे से कहा कि किसी की सहायता करने में कभी पीछे मत हटना, कहीं भी अगर कहीं जरूरतमंद कोई है। मैंने अपने जीवन में उस समय जब मैं 1 वर्ष की यात्रा पर था, पूरे भारत का भ्रमण कर रहा था अपना कार्य क्षेत्र चुनने के लिए कि कहां से शुरुआत की जाए धर्म की इस यात्रा को, उस समय मैंने हिमाचल के एक भाग में एक स्थान पर एक ढाबा देखा था जहां पर एक व्यक्ति ने एक बोर्ड लगा रखा था कि अगर आपको भगवान ने आज के भोजन की राशि दी है तो अपनी थाली खाने के बाद, अपना भोजन करने के बाद ये जरूर सोचना कि कोई ऐसा हो सकता है कि जिसके पास भोजन खाने के पैसे नहीं है, तो एक थाली उनके नाम भी करना। जो भूखा है, खाना चाहता है और दरवाजे पर खड़ा है, तो कुछ लोग वहां आते थे और वो देख करके उस जगह को भोजन करने के बाद कुछ पैसे जमा करा देते थे, और सेठ उसके बाद में बाहर बोर्ड पर लिख देता था 2 लोगों के भोजन के पैसे हैं, कोई भूखा हो, जरूरतमंद हो, जिसके पास खाने का पैसा नहीं है वो आके भोजन कर सकता है। और वही लोग जो सच में जरूरतमंद होते थे आकर के खा के जाए, तो देखने से पता लगता था कि उस व्यक्ति ने इस तरह की प्रेरणाएं शुरू कर दी कि अपना भोजन करने के बाद आदमी किसी के लिए एक थाली के पैसे देकर जाए। वो बाद में ये जरूर बोलता था सेठ कि भगवान को धन्यवाद करना कि उसने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम
खुद खा सकते हो और दूसरे की भी ताकत बन सकते हो। बात ध्यान रखना, इस दुनिया में उस प्रेम की जरूरत है जो परमात्मा के अंदर बहने वाला प्रेम है, क्योंकि उसी से दया सहानुभूति जागती है और उसी से धरती स्वर्ग बनती है। और जैसे ही आदमी उससे विमुख हो जाता है तो आदमी के अंदर निर्दयता आती है, और निर्दयता आने का परिणाम ये होता है कि लोग जो है दूसरे का हक छीन छीन करके खाते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं, किसी के आंसू पर किसी को तरस नहीं आता। इसलिए भक्ति जहां इस दुनिया को रहने के काबिल बनाती है, वहीं साथ में प्रत्येक के घर में सुख शांति लाने का जरिया भी भक्ति है। एक व्यक्ति को अच्छा सच्चा बहादुर बनाना, लेकिन साथ साथ में उसे दानवीर भी बनाना, शूरवीर बनाना, दानवीर बनाना और उसे कर्मवीर बनाना, ये भक्ति का ही तो काम है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि केवल मात्र इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि आप भक्ति करो कि इससे केवल भगवान तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब ये है कि तुम अपना लोक और परलोक भी सुधारोगे और तुम्हारी जिंदगी के साथ चले आ रहे जो तुम्हारे कर्म हैं, जो तुम्हें अनेक बार रुलाते हैं, उन कर्मों से भी तुम छुटकारा पा सकोगे, उनको भी तुम धो सकोगे। इसके लिए भक्ति ही है। इसलिए योग का एक नियम बताया है भगवान श्री कृष्ण, जब ये कहते हैं युक्त आसीत मत परा, युक्त हो जाओ, संयुक्त हो जाओ, योग युक्त हो जाओ। युक्त, योग युक्त होना, योग संयुक्त हो जाना, इसलिए योग की परिभाषा। और आप प्रत्येक अध्याय के बाद में जो पढ़ा जाता है एक वाक्य, ये गीता जो उपनिषद से ली गई है, कृष्ण भगवान के मुख से उच्चारित हुई है, ये योग शास्त्र है, ये ब्रह्म विद्या है। तो योग शास्त्र क्यों है, वो योग शास्त्र क्या है, योग क्या है? योग का मतलब है एकता करना, योग का मतलब है मेल करना, जुड़ जाना किस से, जिससे तुम बिछड़े हुए हो। योग का मतलब है संबंध, योग का मतलब है एकीकरण, योग का मतलब है एकता, योग का मतलब हुआ जिससे तुम्हारा वियोग है उससे तुम्हारा संयोग हो जाए। तो उसका ये शास्त्र है कि तुम जिससे बिछड़े हुए हो, जिस आनंद से बिछड़े हुए हो, जिस शक्ति से बिछड़े हुए हो, उससे तुम्हारा मेल हो जाए और उसी से अचूक रिलेशन बनाने की विद्या जिससे बताई गई है उसे कहा गया है योग शास्त्र। तो ये योग शास्त्र है गीता, ये अचूक शस्त्र या अस्त्र जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि जिससे तुम्हारा अचूक निशाना लग सके भगवान तक, उस लक्ष्य तक पहुंच सको, उसको जो बता रहा है वो योग शास्त्र, उसका नाम गीता है। तो उसको दर्शाया गया, इसलिए मैं एक ही श्लोक तक जा पाया हूं। अगले श्लोक तक हम लोग जाएं जहां भगवान कहते हैं युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमान सह, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि सबका एक ही कर्तव्य बन जाता है कि जो उस तरफ हमें जोड़ने के लिए कार्य करता है वो सदगुरु है। जैसे अर्जुन के रथ पर कृष्ण बैठे हुए हैं, तो आप ये जरूर ध्यान रखना आपके जीवन के रथ को संचालित करने के लिए आपका गुरु आपके पास होना चाहिए, जिसके निर्देशन में आप जिंदगी जी सकें। इसलिए जो वो पंक्तियां कही जाती है ना कि रिश्ता भूला परम पिता का, याद दिलाने आए तुम, मैं तो परमात्मा का रिश्ता भूल गया था कि कैसे जुड़े, तो याद कराने आए तुम, मेरे अंधियारे जीवन में ज्योति जलाने आए तुम, जीवन दीपक बुझा बुझा सा तेज भरा तुमने आकर, जीवन निर्झर रुका रुका सा गति भरी तुमने आकर, निर्बल के बलराम गुरुवर मेरे बनकर आए तुम, मेरा बल बनकर के तुम आए, मुझको मुझसे छीन ही लेता मंत्र अनोखा बता दिया, दुनिया छीन रही थी मुझे, मुझसे मुझे ही दूर ले जा रही थी,
मुझको मुझसे छीन ही लेता, मंत्र अनोखा बता दिया मेरे दाता, मुझे जगाकर भक्ति पथ पर मोड़ दिया। जगाया तुमने, भक्ति की शक्ति समझाने पथ प्रदर्शक बन आए तुम, रिश्ता भूला परम पिता का याद दिलाने आए तुम। साधारण मानव भी मुझसा पाता तेरा प्यार है, साधारण से साधारण भी तेरा प्यार पाता है, साधारण मानव भी मुझसा पाता तेरा प्यार है, अतुलित आनंद की अनुभूति देता तेरा प्यार है, गले लगाने संग बिठाने श्याम सलोने आए तुम, रिश्ता भूला परम पिता का याद दिलाने आए तुम, मेरे अंधियारे जीवन में ज्योति जगाने आए तुम। तो ये चाहिए जीवन में कि जिससे हम वहां से जुड़ सकें जहां से हमारा संबंध टूटा हुआ है। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा मुक्तिनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम व ध्यान साधना का आयोजन होने जा रहा है 20 से 25 अगस्त 2022। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ धाम यह उन 8 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं, तथा पशुपतिनाथ के बारे में माना जाता है यह लेख लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था, और जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक लंबी अवधि के इंतजार के बाद साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद भी ने ध्यान की सुखद छाव में जो बैठता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान में मन का मंथन होता है। दीदी जी के मार्गदर्शन में ही मुक्तिनाथ एवं पशुपतिनाथ यात्रा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप मनोकामना मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर व पहावा लेक, 108 जल धाराएं आदि हैं। 20 से 25 अगस्त तक इस 6 दिवसीय यात्रा के लिए आज ही अपना पंजीकरण कराएं और दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद लेते हुए इस यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291986653, 7291986657, 7291986657। सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथ आश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गाँव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है।
गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।